हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स। गाइस, तो नागपुर यूनिवर्सिटी के विंटर एग्जामिनेशंस के ऊपर आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है और इस आर्टिकल में विंटर एग्जामिनेशंस के ऊपर काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। जैसे हमारी जो विंटर एग्जामिनेशंस ये कब से स्टार्ट होगी, उसमें कितने फेज़ रहेंगे, कौन सा फेज़ कौन सी डेट से स्टार्ट होगा, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस आर्टिकल में लिखी हुई है। तो इस आर्टिकल में डिटेल में क्या लिखा है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। तो गाइस, वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको आरटीएमएस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो इस मेन आर्टिकल की जो हेडलाइन है वो है हिवाड़ी विद्यापीठाच्या परीक्षा 20 नोव्हेंबर पासून चार टप्प्यात होणार आयोजन, लवकरच अधिसूचना जाहीर होणार। तो हेडलाइन पढ़ के थोड़ा डर लगता है क्योंकि इसमें बोला है कि 20 नवंबर से ही जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाली है। फिर इसमें लिखा है राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ तर्फे हिवाड़ी परीक्षांची तयारी सुरू झाली असून 20 नोव्हेंबरपासून परीक्षांना सुरुवात होईल। यंदा चार फेऱ्यांमध्ये परीक्षांचे आयोजन करण्यात येईल, तो चार फेजेस में एग्जाम कंडक्ट की जा सकती है। या संदर्भात लवकरच अधिसूचना व सविस्तर वेळपत्र जाहीर करण्यात येईल। तो जल्दी इसके ऊपर जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आएगा, ऐसे भी इसमें बोला गया है। गुरुवारी विद्यापीठाच्या परीक्षा मंडळाने याला मंजुरी दिली, यामुळे विद्यापीठाच्या अधिसूचना जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला। सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 20 नोव्हेंबरपासून सर्व बहिशाल विद्यार्थ्यांची परीक्षांना सुरुवात होईल। मतलब जो एक स्टूडेंट्स है उनके एग्जामिनेशन को स्टार्ट 20 नोव्हेंबर से होगा। जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, इसमें लिखा है त्यानंतर नियमित विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरू होईल। परीक्षाचा पहिला टप्पा 1 डिसेंबरपासून सुरू होईल। तो फेजेस वाइज एग्जामिनेशन होती है, जैसे पहले 7th सेम की होती है, फिर 5th सेम की होती है, फिर 3rd सेम की होती है, तो उनको ही फेजेस बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे जो डेट्स है वो दी है। तर दूसरा टप्पा 20 डिसेंबर पासून सुरू करण्यात येईल, तीसरा टप्पा 27 डिसेंबर पासून सुरू होईल। परीक्षा ऑफलाइन राहणार की ऑनलाइन हे स्पष्ट होऊ शकले नाही। तो जो मेन बात है वो इसमें नहीं बताई गई है, बाकी सारी जो फेजेस की डेट्स है वो बताई गई है कि फर्स्ट फेज 1 तारीख से होगा, सेकेंड फेज 20 तारीख से होगा और थर्ड फेज 27th ऑफ डिसेंबर से शुरू होगा। बट एग्ज़ाम कैसे होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ये अभी तक यहाँ पे क्लियरली बताया गया नहीं है। प्लस यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिखा है 15 नोव्हेंबर पर्यंत परीक्षा विभागाकडून नेमके चित्र स्पष्ट करण्यात येईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली। ठीक है, तो मतलब 15 नवंबर तक हमें जो अपडेट है गाइस वो मिल सकता है, जिससे सारी जो डिटेल्स है वो क्लियर हो जाएगी कि एग्ज़ाम कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, कौन से सेमेस्टर की एग्जामिनेशन कौन से फेजेस में होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें 15 नवंबर तक मिल सकती है। ठीक है, तो अब देखो गाइस, इस आर्टिकल में जितने भी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके सच होने के भी जो चांसेस है वो 50-50 है। ठीक है, अगर सच होता है तो 20 नवंबर से जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होगी, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पहले एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी, फिर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी दिसंबर से ही जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होगी। अब फेजेस वाइज एग्जामिनेशन रहेगी, तो पहले कुछ सेमेस्टर की एग्जाम होगी, फिर बाद में कुछ सेमेस्टर की होगी, ऐसे करते करते जो एग्जामिनेशन है वो डिले होगी। मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह, थर्ड सेमेस्टर वगैरह, उनके जनवरी तक जो एग्जामिनेशन है वो आराम से चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मत समझो कि 20 नवंबर से हमारे जो एग्जामिनेशन है वो होने वाली है, क्योंकि एग्जाम फेजेस वाइज कंडक्ट की जाती है। प्लस अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि ये जो न्यूज़ है वो 100% कन्फर्म है, क्योंकि अभी तक आरटीएमएनई की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें ऐसा कोई भी जो अपडेट है एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो देखने को नहीं मिला है। ठीक है, प्लस यहाँ पर बोला भी गया है कि 15 नवंबर तक हमें जो एग्ज़ाम का अपडेट है वो मिल सकता है। अगर 15 नवंबर को हमें जो अपडेट है वो मिलता है तो मुझे तो लगता है कि मेनली एग्जामिनेशन के ऑनलाइन होने के जो चांसेस है वो रहेंगे, क्योंकि फेजेस वाइज एग्जामिनेशन है। प्लस अभी तक हॉस्टल्स के लिए जो SOPs है वो नहीं आई है, जिससे 100% जो हॉस्टल्स है वो ओपन नहीं हो सकते। मींस जो स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं उनके लिए अभी भी काफ़ी मुश्किल है कॉलेज में आने के लिए, प्लस कॉलेजेस भी अभी तक 100% से शुरू नहीं हुए हैं। तो इस फेज़ में, इस सिचुएशन में एग्ज़ाम ऑफलाइन लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन हो सकते हैं। बट अभी तक हम कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते, जैसे ही अपडेट आता है ऑफिशियल नागपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से, और अगर अपडेट ऐसा ही रहा तो मैक्सिमम चांसेस रह सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन रहे, और अगर 15 नवंबर तक अपडेट नहीं आता है तो फिर और भी हमें कुछ जो चेंज है वो देखने को मिल सकता है। बट इसमें जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई है, काफ़ी स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन दी है कि फर्स्ट फेज़ ये तारीख से होगा, सेकेंड फेज़ ये तारीख से होगा, तो मेनली इस आर्टिकल के सच होने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या अपडेट आता है। जब तक आरटीएमएनई की तरफ से ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तब तक हम 100% ये नहीं बोल पाएंगे कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी। बट आपको
भी पता है कि जो चांसेस है वो किसके ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। जैसे इसके ऊपर और कोई अपडेट आता है या फिर और कोई न्यूज़पेपर में ऐसा ही कोई आर्टिकल देखने को मिलता है तो मैं आपको ज़रूर से अपडेट कर दूंगा, क्योंकि विंटर एग्जामिनेशन का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होती है तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही पढ़ाया गया है। अब देखते हैं क्या अपडेट आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।